संभल में राशन डीलर की दबंगई आई सामने। गांव के लोगों को नहीं देता राशन। यूपी के जिला संभल में गांव रहलोट रहटोल में राशन डीलर की दबंगई के कारण गांव के लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गांव रहटोर में सुखवीर सिंह नाम का युवक राशन डीलर है, जिस पर गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि डीलर ने 3 महीने से गांव के लोगों को राशन नहीं दिया है और राशन मांगने पर वह धमकाकर भगा देता है और अभद्र व्यवहार करता है। इतना ही नहीं, अपनी दबंगई दिखाकर गांव वालों से मशीन पर अंगूठा भी लगवा लेता है और खाली पर्ची निकालकर हाथ में दे देता है। गांव वालों का कहना है कि डीलर राशन को बेच देता है, जिसे गांव के लोगों ने कई बार बेचते हुए देखा भी है। कब से गल्ला मिला आपके? 3 महीने से। कौन से गाँव से आई? रठौल से। कौन से ब्लॉक में पड़ता है रठौल? कौन से ब्लॉक में? कहाँ से आई हो? कब से न मिला है गल्ला आपके? ना भैया, कब से न मिला है? 3 महीना हो गया। का क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से आए हो? रहटोल। यहाँ किस लिए आए हो? कोठे के लिए। क्या मामला है? गल्ला नहीं देते साहब। गल्ला 3 महीने से गल्ला नहीं मिला है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं मिला ना। 6 किलो बकाई जाते मिल गया तो देते कितना? 4 किलो बस। और वो भी देते नहीं है। 3-4 महीने हो गए, आज दे देंगे। किताब गल्ला मिल गया। अभी ऐसी किताबें बहुत सी हम पे जिसमें गल्ला चढ़ा हुआ है और मिला नहीं है।